Exercise 8.3, 6 formula based hai. Sin 90 minus theta, cos theta. Cos 90 minus theta, sin theta. Tan 90 minus theta, cos theta. Cot 90 minus theta, tan theta. Sec 90 minus theta is equal to cosec theta. And cosec 90 minus theta is equal to sec theta. अब हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला हमारे ड्राइव कैसे हुए हैं, बने कैसे हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, इस ट्रायंगल में एंगल बी मैंने राइट एंगल पे लिया, यहाँ ए और यहाँ पर सी एक्यूट एंगल थीटा कंसीडर किया हमने। हम देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू, पहले हमने निकाली साइन थीटा, हमें मालूम है थीटा एक्यूट एंगल के सामने वाला पी होता है हमारा, 90 डिग्री के सामने वाला H और तीसरी साइड जो बचती है वो हमारी BC। पहले हमने इसमें से साइन थीटा की वैल्यू निकाली और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। साइन थीटा P अपॉन H, AB अपॉन AC, कॉस थीटा B अपॉन H, BC अपॉन AC। अब हमने तीनों एंगल्स का सम लिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल ए प्लस एंगल बी हमने 90 लिया और एंगल सी हमारे पास है थीटा। तो हमने देखा कि हमारे पास एंगल ए जो आया है वो आया है 180 माइनस 90, 90 माइनस थीटा। अगर अब मैं कंसीडर करूं साइन ए, तो साइन ए जो होगा वो इक्वल टू होगा साइन 90 माइनस थीटा के। अब मैंने इस ट्रायंगल से साइन ए की वैल्यू निकाली, साइन ए जब हम कंसीडर करेंगे तो ए हम एक्यूट एंगल पे लेंगे, यानी कि हमारा अब परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल के सामने वाला बीसी हो जाएगा और हाइपोटेनियस सेम रहेगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी साइन ए की, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बीसी पी अपॉन एच BC अपॉन AC। सिमिलरली मैंने वैल्यू लिखी cos A की, cos A B अपॉन H, जब हमने A एक्यूट एंगल लिया है तो हमारा बेस हुआ है AB अपॉन AC। अब हम देखेंगे sin A, sin A की वैल्यू आई है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। अगर आप थीटा में कंसीडर करो तो BC अपॉन AC किसकी वैल्यू थी हमारे पास, cos थीटा की। तो हम BC अपॉन AC को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय cos थीटा। तो मैंने लिखा cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। तो अब आपको समझ में आया कि हमारा sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा कैसे होता है। इसी तरह से हम अगला एंगल साइन, जैसे हमने साइन ए इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा लिया था, अब हम लेते हैं कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब हम कॉस ए की वैल्यू क्या रखेंगे, कॉस ए की वैल्यू बी अपॉन एच ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी जो इक्वल होगा कॉस 90 माइनस थीटा के। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी, हमारे पास थीटा में क्या निकला था ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा, तो मैंने ए बी अपॉन ए सी की जगह रखा साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आया साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो पहला केस हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ड्राइव हुआ, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ये निकला। सिमिलरली हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमें यह हमारे पास फॉर्मूला है और हमने ये सीखा कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है। जैसे हमने ये निकाले हैं, आगे फर्दर हम इनको भी इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट करना है हमें, फर्स्ट पार्ट साइन 18 अपॉन कॉस 72। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने जो डिग्रीज पढ़ी थी, जिस जिसकी वैल्यूज होती है वो होती हैं 0 डिग्री या फिर 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 या 90।
अदर देन अगर इनमें से कोई भी डिग्री है तो हम अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने आपको इससे पहले बताया है। अब हमारे पास है साइन 80, हम एक्सपेंड करके साइन 80 को 18 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72। अगर हम साइन 90 में से 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, नीचे सेम रहेगा। अब हमें मालूम है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया साइन 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास थीटा है 72 डिग्री, तो ये हमारे पास आया कॉस थीटा, यानी कि कॉस 72 अपॉन कॉस 72, ये हमने सेम छोड़ा था, सेम नंबर को डिवाइड किया, हमें मिला 1। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 10 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। अब हम लिख सकते हैं 26 को 10 90 डिग्री माइनस 64, नीचे हम सेम रखेंगे, चाहते तो हम नीचे को भी एक्सपेंड कर सकते थे, तो हमें ऊपर का सेम रखना था, cot 64 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है cot थीटा, तो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot 64 अपॉन cot 64, तो ये हमारे पास आया 1। स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कॉस 48 या साइन 42 में से एक को एक्सपेंड करेंगे, हमने कॉस को किया कॉस 90 माइनस 48 को लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, साइन हम ऐसे ही रहने देंगे सेम, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो हमने इसकी वैल्यू पुट करी, साइन थीटा हमारे पास है 42 माइनस साइन 42, तो सेम नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 0। यहाँ पे डिवाइड करा था इसलिए 1 आया था, यहाँ पे हमने सेम नंबर को माइनस करा तो हमारे पास आंसर आया 0। स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, हमने एक्सपेंड किया कोसेक को, कोसेक 31 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 59, हमेशा याद रखेंगे कि इन दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री बैठेगा जिनमें हम पेयर बनाएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, माइनस sec 59 को हम सेम रहने देंगे। अब हमें मालूम है cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, हमने आइडेंटिटी लगाई cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec 59 माइनस sec 59, तो ये हमारे पास आया 0।